पता नहीं क्यों मेरी आंखें अंधी हो गई थी। नहीं फसी, आपकी आंखें अंधी नहीं थी, आपका नूर पे एतबार अंधा था। मैं जानती हूँ इस वक्त आप क्या महसूस कर रहे हैं, बदकिस्मत थी और क्या कह सकती हूँ मैं। वो थी नहीं है, और अगर बदकिस्मत भी थी तो एक बाप अपनी बेटी की सलामती के अलावा और क्या दुआ कर सकता है। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा, दुनिया की हर चीज मुयसर थी उसे, कभी कोई काम नहीं करना पड़ा। हर वक्त हम तो बस यही कहते थे ना कि पढ़ो, हम तो यही समझते रहे ना कि वो सीधा घर से कॉलेज और कॉलेज से वापस घर आती। उसने तो मासूम चेहरों से एतमाद उठा दिया मेरा। तबस्सुम मेरी बेटी मासूम थी, इसीलिए उस कमीने की बातों में आ गई, लेकिन कसूर तो मेरा है। इससे पहले कि वो लड़का इस घर में घुसता, मुझे उसकी पूरी छानबीन करनी चाहिए थी। और दूसरा कसूर तुम्हारा है, जब वो घर में आ गया था तो तुमने उस पर नजर क्यों नहीं रखी। आपको अभी तक लगता है कि नूर बेकसूर है, मेरा कसूर है? फसी, सच ये है कि उसने हम सबको, खास तौर पे आपको धोखा दिया है। इतनी इतने आराम से, सफाई से उसने बातें छुपाई हैं। घूमती फिरती थी वो उस लड़के के साथ, हम बेखबर थे। कहानी मोबाइल फोन से शुरू हुई थी और अब आप देख रहे कि कहां पहुंची है। पहली मर्तबा जब मास के मामले में उस लड़के का नाम आया था, उसी वक्त उसके बारे में सब कुछ पता कर लेना चाहिए। पता नहीं क्यों मेरी आंखें अंधी हो गई थी। नहीं फसी, आपकी आंखें अंधी नहीं थी, आपका नूर पे एतबार अंधा था, इसलिए तो सामने पड़ा हुआ पत्थर नहीं देखा आपने, ठोकर लगी और आप गिर गए। लेकिन मैं हूं ना, मैं आपको संभालूंगी, आप सिर्फ मुझ पे भरोसा कीजिए और किसी पे भरोसा ना कीजिए। जैसा मैं कहती हूँ फसी, आप वैसा कीजिए। देख रहे हैं इस वक्त आपके साथ कौन है और कौन नहीं। सिर्फ मुझ पे भरोसा कीजिए, मैं सब कुछ ठीक करवा दूंगी, मुझ पे भरोसा कीजिए। जानता हूँ, तो बस तुमने हर दुख तक में मेरा साथ दिया, उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। और इस सिचुएशन में भी जैसे तुम मेरे साथ खड़ी हो, मैं तुम्हारा बहुत एहसान मंद हूं, लेकिन मुझे पुलिस से रابطہ करना पड़ेगा। अब ये सब कुछ अनअवॉइडेबल है। इससे पहले कि मैं नूर को हमेशा के लिए खो दूं, मुझे ना चाहते हुए भी ये सब कुछ करना पड़ेगा।